नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राजस्थान राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई महिला सुपरवाइजर भर्ती के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सर्च बॉक्स में ऊपर आपको टाइप करना है कुलदीप ज्ञानधारा। इस प्रकार से पेज खुलने पर आपको हमारा ये लोगो दिखाई देगा, जिसमें आपको यहाँ पर सब्सक्राइब बटन मिलेगा। इस सब्सक्राइब बटन पर सर जरूर सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा ये भर्ती निकाली हुई है। इसके अंतर्गत पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटा के तहत ये सीधी भर्ती है। बोर्ड द्वारा निम्नलिखित पद हेतु इसमें जो है आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं और ये पदों का विवरण इस प्रकार से है। पद विभाग, पद होगा पर्यवेक्षक महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोटा के तहत, और ये विभाग है समेकित बाल विकास सेवाएं अर्थात ICDS जिसको बोलते हैं। इसके अंतर्गत ये भर्ती निकली हुई है और इसमें कुल पदों की संख्या है दोस्तों 309 और इसमें आयु सीमा निर्धारित की गई 18 से 40 वर्ष तक, और जो वेतन मिलेगा वो 7वें पे कमीशन के अनुसार लेवल 7 पे मैट्रिक्स में मिलेगा और 6th पे कमीशन के अनुसार 2400 ग्रेड पे का होगा। अब देख लेते हैं इसकी एबिलिटी की। दोस्तों, इसमें जो योग्यता निर्धारित की गई है वो होगी किसी भी यूनिवर्सिटी से जो है लॉ इन इंडिया विद 10 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए आंगनबाड़ी वर्कर के रूप में इन ICDS में। इसके अलावा हैविंग वन ऑफ द फॉलोइंग हायर क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एजुकेशन, ओ लेवल कंप्यूटर एजुकेशन की योग्यता भी होनी चाहिए। ये नहीं है तो इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट NIELIT न्यू दिल्ली से होना चाहिए। इसके अलावा ये नहीं है तो अगला ऑप्शन है कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट डाटा प्रिपरेशन एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सर्टिफिकेट ऑर्गेनाइज अंडर नेशनल काउंसिल वेरिफिकेशन ट्रेनिंग के तहत योग्यता होनी चाहिए। अगर ये भी योग्यता नहीं है तो इसके अलावा अगला ऑप्शन है डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर एप्लीकेशन फ्रॉम मिनिस्ट्री एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ इन इंडिया फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाई द गवर्नमेंट। इसके अलावा और ऑप्शन है सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विद द कंप्यूटर साइंस डिप्लोमा इन कंप्यूटर। कहने का अर्थ यह है मित्रों कि इसमें कंप्यूटर डिप्लोमा होना बहुत ही अनिवार्य है। इसके अलावा कैंडिडेट को देवनागरी लिपि में हिंदी का ज्ञान भी होना चाहिए। और इसके अलावा प्रोवाइड दैट इन केस एनी आंगनबाड़ी वर्कर इज नॉट हैविंग एनी ऑफ द एबो क्वालिफिकेशन इन कंप्यूटर एजुकेशन सी हैज़ टू क्वालिफाई द सेम एंड शैल हैव टू सबमिट रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट विद इन ए पीरियड 1 ईयर। अगर कहने करते कंप्यूटर डिप्लोमा नहीं है तो उसे 1 साल के अंदर ये डिप्लोमा जो है प्रस्तुत करना होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि इस पद हेतु केवल समेकित बाल विकास सेवाएं महिला बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अभ्यर्थी कहने आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तहत इस भर्ती का आवेदन किया जाएगा। अगला जो सामान्य प्रवक्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता वो 10 वर्ष की, अनुसूचित जाति जनजाति OBC आदि को 15 वर्ष की इसमें छूट दी जाएगी। आवेदन करने की जो अवधि है वो 4/10/2018 से 3/11/2018 तक निर्धारित की गई है। इसके अलावा परीक्षा का महास्थान इत्यादि जो तय किया गया है वो पर्यवेक्षक महिला कार्यकर्ता पदों की सीधी भर्ती समय माह जनवरी फरवरी 2019 में आवंटित परीक्षा केंद्रों पर करवाई जाएगी। और इसका विस्तृत विज्ञापन यदि हम देखना चाहते हैं तो RSM SSB जो कि राजस्थान राज्य अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट है उस पर देख सकते हैं। इस प्रकार से मित्रों ये आंगनबाड़ी कोटे के तहत भर्ती निकली हुई है। अन्य सभी प्रकार के भर्तियों से संबंधित सामान्य ज्ञान संबंधित वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को देखते रहिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।